सो आज है लास्ट डे 2021 का और उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला 2022 होगा वो पिछले साल दो साल से तो बेटर होगा। जैसा कि बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, कोचिंग के बच्चे अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज हर जगह सब मिस कर रहे थे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, ऑफलाइन एग्जाम दे रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे, ऑफलाइन को मिस कर रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ इस साल सब कुछ ऑफलाइन होगा, प्रॉपर होगा। बहुत सारे लोगों का स्किप कर गया है चीजें। 2022 के लास्ट 2021 के लास्ट डे आज मैं अपने बच्चों से बात करना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आर्य। तो आर्य आप कौन से स्कूल से हैं? सर सेंट्रल एकेडमी। और क्या उम्मीद करते हो 2021 से, यहाँ से सर 22 से? हाँ सर, इस बार लॉकडाउन में लगे एग्जाम ऑफलाइन हो जाए सर। ठीक है, 2022 से इनकी उम्मीद यही है कि इस बार। तो आप 11th क्लास में हो जी। और मेरे साथ एक 12th क्लास का बहुत ही सिंसियर बच्चा है। आप ये 2022 से क्या उम्मीद करते हो? 2022 से हम ये उम्मीद करते सर कि जैसे जो 12th पास आउट हैं उनका कहीं प्लेसमेंट हो जाए अच्छी जगह, और मतलब सब पढ़ने में ज्यादा ध्यान दें, कोविड तो खत्म ही हो जाए, बस कोविड खत्म हो जाए सबसे पहला ये गोल तो यही है ना। सारे मेरे बच्चे और सारे टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, यही चाहते हैं। क्या चाहती हो साक्षी? कि सर बस लॉकडाउन ना लगे और कोविड के वजह से हम लोग को जो भी नुकसान होता है मत हो, दो साल से हो रहा है, बीमार ना पड़े कोई। क्या चाहती हो? सर यही कि पढ़ाई जैसे अभी 2021 में हुई उससे काफी बेटर हो। कि आप लोग ये चाहते हो कि ऑफलाइन क्लास चलती रहे, ये इंटरप्ट ना हो, सभी लोग का गोल यही। तो हम लोग एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर यही चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास प्रॉपर चलती रहे, और जो हमारे नीट के बच्चे हैं और जो हमारा बोर्ड के बच्चे हैं ये सारे अपना अपना क्लास कंटिन्यू रखें, वरना पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। तो इसी उम्मीदों के साथ हम लोग अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। सो अभी से तो अभी से हम लोग एक साथ बोलते हैं, ठीक है, एक साथ हम लोग बोलते हैं। आई प्रोजी इधर आइए। तो आइए हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो एक साथ हम लोग स्टार्ट करें। यस सर। हैप्पी न्यू ईयर।